सब्सक्राइब करिए स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल को जीके एंड करंट अफेयर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोभित सिंह स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? आंसर है 1 अप्रैल 2022। नेक्स्ट, हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर है मार्केलो रेवेलो डी सूजा। नेक्स्ट, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है 7वें। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 7.3%। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 27 जनवरी। नेक्स्ट, हाल ही में कहां नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नागदेव चंद्रभान कंबाले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है पद्म विभूषण पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर है श्रम शक्ति। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा पर्याप्तकर्ता देश कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा पर्याप्तकर्ता कौन सा देश बना है? आंसर है चीन। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।